So let's start with 600 crore worth video. Wait, let me present this in a commercial way. Ye hai aam zindagi. Main 125 crore deshvasiyon ka sarkar ka pradhanmantri hu, tum mere samne dekhte rehte hain. Aur ye hai mental zindagi. Bharat ke 600 crore matdataon ne मैं पागल हो जाऊंगा. मुझे ये बताओ, ये 475 करोड़ लोग कब पैदा हो गए हिंदुस्तान में? 600 करोड़ मतदाताओं ने. ओह, दैट इज रियली शॉकिंग. आई थिंक टू मच ऑफ वीड एनर्जी. वीड एनर्जी, यस. मिस्टर मोदी मेड दिस मिस्टेक इन डावोस ड्यूरिंग हिज स्पीच. 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 30 साल बाद पहली बार. देखा, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम हैक हुई है. ये जो बाकी के 475 करोड़ इंडियंस है ना, ये उस ईवीएम के अंदर ही रहते हैं. चोरी पकड़ी गई. चूतिया. यू नो व्हाट इज द मोस्ट फनी पार्ट अबाउट दिस? हाउ भक्त्स आर डिफेंडिंग मिस्टर मोदी. अरे मोदी जी 125 करोड़ इंडिया में बोलते हैं, 600 करोड़ बाहर बोलते हैं. क्या ना, इंटरनेशनल लोगों को थोड़ा दिखाना पड़ता है, लोग ज्यादा है हमारे. वीड एनर्जी, 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए. वीड एनर्जी, बट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वी गॉट टू नो दैट इट वॉज 600 मिलियन ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर. पर चचा ने 600 मिलियन को 600 करोड़ पढ़ दिया. वीड एनर्जी, छोटी सी मिस्टेक है जी, बट दैट टाइप ऑफ अ मिस्टेक ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. 600 करोड़ मतदाताओं ने. लाल दरवाजा, लाल दरवाजा क्या करते हो? पहले ये ढूंढो कहाँ है वो 475 करोड़ हिंदुस्तानी. यू नो आई लव मोदी जी, कम ऑन, ही इज माय प्राइम मिनिस्टर टू, बट दिस वाज मोर हार्ट ब्रेकिंग देन द पकोड़ा वन. अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस, द यूथ ऑफ द कंट्री, यू नो समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग बिग फॉर मायसेल्फ, आई वांट टू इन्वेस्ट एंड हैव अ बिग ड्रीम. पर सर जी का प्लान तो तुमसे पकोड़े तलवाने का है. कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे चलो पकोड़े तल लेंगे, पर ये सही नहीं किया आपने सर. 600 करोड़ मतदाताओं ने. 600 करोड़ का सवाल ये है कि फुद्दू कौन है? ऑब्वियसली टेलीप्रॉम्प्टर. And all right, our next Urdu is not a video, it's a picture. ये अपने टाइप का एक ही सतरंगी चूतिया है. On Twitter, people are saying, "Nata hero nikla poster wallpaper. He take Damshirashu seriously." ये तो कुछ भी नहीं. एक बार तो ये कुत्ता पहन के आ गया था. यहाँ पे कुत्ता और अब ज़ीब्रा बन गया. But nation wants to know, ये कपड़े पहनने के आइडियाज इसको देता कौन है और कहाँ से आते हैं? एक दिन तो ये कॉन्डम पहन के आ गया था. He is looking like a sperm. Dress code for funeral after party. और जब आपके धोबी ने आपके कपड़ों की जगह आपकी धुलाई कर दी हो. जी हाँ, दिल थाम लीजिए क्योंकि अब पेश है रणवीर राम रहीम. सच पूछूं तो मुझे इसके कपड़ों से घंटा कुछ नहीं लेना. दुख तो इस बात का है कि ये भोसड़ पप्पू दीपिका को डेट करता है. देखो इसको हिप हॉप. You know, but it's okay to guts to wear shit like this and go in public places. So he can wear what he wants to wear. That's not a problem. But the problem is this tweet when he was comparing himself with Heath Ledger. Don't compare yourself with Joker. You already a Joker. How dare he compare himself with that legend? No. ये तो विवेक ओबरॉय वाली बात कर दी यार इसने. विवेक ओबरॉय ने कल परफॉर्म किया है. Padmavat. So this boy climbs 350 feet tower with petrol bottle and asked to ban Padmavat. इसने कहा अगर मूवी लगी तो ये नीचे नहीं उतरेगा. प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिलीज ऑफ द फिल्म. वेट 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 वेट, पर मूवी तो आज रिलीज हो गई. भाई की हुंडी हो गई. अब तो क्या जिंदगी में ऊपर ही रहेगा और पेट्रोल से धोएगा. शिट.
You know that is stupid and people on internet are like इस भोपाली के को मैं धक्का देता हूँ मुझे दो I don't pay attention दो घंटे में खुद नीचे आ जाएगा You know what is the sad part about this कुर्बानी इसने दी और क्रेडिट ये बंदा ले गया जिसने इसको एक्चुअली में चढ़वाया था बेन नहीं हो जाती है तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा और वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार है उपेंद्र सिंह राठौड़ भीम दिया हाँ तो बेसिकली इसने इसका फुद्दू खींच दिया और ये पूरी दुनिया के सामने फुद्दू बन गया यू नो इफ यू गो एंड वॉच पद्मावत इट्स ऑल अबाउट राजपूत प्राइड करनी सेना शुड सपोर्ट दिस मूवी हाँ मुझे तो लगा कि इस मूवी की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए सी इफ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू द मूवी पीपल हैव टू फॉलो इट बेटा तू वहीं रह So thank you so much for watching this show. You know, Padmavati ka tension hai. Phir kal 26th of January hai, Republic Day. Uska tension hai. Hamari forces kaise prepare karenge? I'm really worried here. You know, Padmavati, they need to give security to that place. And 26th of January. How they are going to deal with this? Have a look. आजकल क्या है ना राइम का जमाना वी आर राइमिंग विद एवरीथिंग एंड इट्स रियली फनी रिसेंटली आई फाउंड अ नाइस राइम दैट्स अमेजिंग राइम एंड आवर फेवरेट गाय जस्ट चेक दिस आउट